रखेगा हिसाब, वही चलेंगे गौशाला। जिस दिन चारा खत्म होंगे उनको, वो मुझे याद करेंगे, तब मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। ये बात है, मैं इस पैसों का मुझे कोई मतलब नहीं। और ये गुरुजन जो आसपास के हैं, 11 लोग चाहे 21 लोग कमेटी बनाएंगे, उनके हाथ में ये थैलिया थमा दी है, आज के बाद में ये चलाएंगे गुरुजन। और उसके बाद में जिस दिन कोई नौबत आएगी, भगवान करे नौबत नहीं आएगी, और जिस दिन नौबत आएगी तो ये युवा टीम फिर से तैयार है। और मैं एक छोटी बात एक दो मिनट और की लूँ, जिस प्रकार हमारे आसपास के एरिए के, जिस पर ओम प्रकाश जी अध्यापक गोपीलाल जी, जिन्होंने पानी की सुविधा देके, पानी नहीं था गायों के हिरणों के पीने के लिए, उन्होंने खुद की ट्यूबवेल से पानी रोजाना टंकी भरना, खेली भरना, ये ऐसे ऐसे कार्य है। जिस प्रकार फौजी साहब ने, रणजीत जी ने, अरुण भाई ने, अशोक ने भाई, मुन्ना भाई ने, जोधराम जी ने, और बंसीलाल जी साहब ने, भाई पीछे ये मार साहब ने, सामने ट्यूबवेल है उनकी, और गंगाराम जी मार साहब, बंसीलाल जी मार साहब, यहाँ गुरुजनी गुरुजनी है, इतना ज्ञान है इस एरिए के अंदर, पूछो मत। बुद्धाराम जी सेकानी ने, भाई कृष्ण राम जी सेकानी ने, कांचवाणियों ने, ढाकों ने, रावों ने, और ये सारणों ने, प्रदीप जी डॉक्टर साहब के फैमिलियों ने, और जो भी जांगो ने, मांझो ने, क्योंकि एक एक नाम तो ले नहीं पाता हूँ, जगदीप जी हमारे, ओम प्रकाश जी राव ने, जिन्होंने ट्यूबवेल इजारे के लिए एक महीने या फ्री चलाओ, पानी पौधों को पिलाओ, गायों को, क्योंकि ट्यूबवेल नहीं थी। आज विधायक साहब ने यहाँ घोषणा की है, आने वाले समय में जल्द से जल्द बने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी को, और पीछे किसी का नाम बचा तो मैं माफी चाहता हूँ। और एक हमारे गुरुजी ने आपको दो शब्द कहेंगे, इनके मुखारबिंद से दो शब्द सुनिए।